हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और आज हम करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि वसंत भाग दो का 17वां पाठ है। उससे पहले झांसी की रानी कविता की कुछ पंक्तियाँ याद कर लेते हैं। इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो दोस्तों, ये पाठ है वीर कुंवर सिंह के बारे में जिनका जिक्र इस कविता में भी आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का फर्स्ट एमसीक्यू से। तो इससे पहले हम वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। ये बिहार के जगदीशपुर रियासत के महाराज थे या वहाँ के स्वामी थे और इन्होंने अपनी रियासत में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सड़कों का निर्माण कराया, विद्यालयों का निर्माण कराया और धर्मनिरपेक्षता की ऊँची ऊँची मिसालें दी। इसके अलावा इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में भाग लिया और जगदीशपुर रियासत को जब ये अंग्रेज़ों से हार गए तो इन्होंने अपनी रियासत को छोड़ दिया। पर जिस भी जगह पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों को या सैनिकों को लड़ने के लिए एक सेनानायक की आवश्यकता होती थी, वहाँ वहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इन्होंने अपने हाथ तक की कुर्बानी दे दी गंगा मैया को, अपना हाथ स्वयं काट के चढ़ा दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके हाथ की वजह से अंग्रेज़ इनके ऊपर हमला कर दें, या इनके हाथ में क्योंकि गोली लग गई थी तो उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। तो इन्होंने बिल्कुल भी एक क्षण की देरी करे बिना स्वयं ही अपने हाथ को काट कर गंगा जी को अर्पित कर दिया। इसके अलावा बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम इनकी वीरता को देख सकते हैं, जान सकते हैं, दूरदर्शिता को समझ सकते हैं। इन्होंने सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों का केंद्र बनाया था जहाँ पर से ये स्वतंत्रता संग्राम की नई नई योजनाएं बनाते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रियासत जगदीशपुर को इतनी सारी लड़ाइयाँ जीतने के बाद वापस हासिल किया और इस सारे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने उस उम्र में पार्टिसिपेट किया या उस उम्र में हिस्सा लिया जबकि लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि जब ये हमारे दादाजी या नाना जी की उम्र के थे उस समय इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इसलिए इनका योगदान जो है बहुत उल्लेखनीय है और इनकी जीवनी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि उम्र जो है वो किसी भी कार्य को करने में बाधा नहीं बन सकती। हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए तो हम किसी भी कार्य को किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा इनकी प्रेरणा के स्रोत थे, उन्होंने इनके मन में राष्ट्रीय एकता की अलख जगाई थी। तो चलिए अब बाबू कुंवर सिंह के ऊपर आधारित इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में किसका नाम भी आया है, वीर कुंवर सिंह का, भगत सिंह का, राय बहादुर सिंह का या फिर बाल गंगाधर तिलक का? तो सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह का। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में किस शासन की जड़ों को हिला दिया गया था? तो ऑप्शंस है ब्रिटिश शासन की, पुर्तगाली शासन की, भारतीय शासन की या मुगल शासन की? तो सही उत्तर है ब्रिटिश शासन की। जिस समय 1857 का संग्राम हुआ था उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और इस संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था, फरवरी 1857, जनवरी 1857, अप्रैल 1857 या मार्च 1857? तो सही उत्तर है मार्च 1857। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। मार्च 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसे फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को, तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर को या कुंवर सिंह को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगल पांडे को। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने के विरोध में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध था यानी 1857 की क्रांति थी वो शुरू हो गई थी। अब देखते हैं अगला सवाल। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कब किया था, 10 जनवरी 1857 में, 8 अप्रैल 1857 में, 10 मई 1857 में या 10 अगस्त 1857 में? तो इसका सही उत्तर है 10 मई 1857 में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया, 11 मई को, 12 मई को, 13 मई को या 14 मई को? तो इस प्रश्न का उत्तर है 11 मई को, 10 मई को,
मेरठ की छावनी में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करा और वो सेना एक ही रात में चलकर मेरठ से दिल्ली पहुंच गई और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था, अंग्रेजी शासन को दिल्ली से हटा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। किस मुगल शासक को भारत का शासक घोषित कर दिया गया था? अहमद शाह मौलवी को, बहादुर शाह जफर को, कहर खां दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो आखिरी मुगल शासक थे और फिर इन्हें हमारे हिंदुस्तान का शासक भी घोषित कर दिया गया था मेरठ के जो सैनिक आए थे उनकी टुकड़ी के द्वारा। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शासक घोषित करा अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ अत्यंत भीषण युद्ध हुए थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली के अतिरिक्त इन सभी जगहों में अत्यधिक भीषण युद्ध हुए थे। ठीक है, जब मेरठ में क्रांति हुई तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया क्रांतिकारियों ने और फिर उन्हीं की देखा देखी भारत के अन्य जगहों पर भी, स्पेशली उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण युद्ध होने लगे थे। अब देखेंगे अगला सवाल। किस आंदोलन की आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था? राष्ट्रीय आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, कर खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है, जब 1857 का संग्राम हुआ तब भारत के अंदर ये चेतना आई कि हमारे राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए हमें एक आंदोलन करना चाहिए और 1857 का संग्राम जो था वो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि बना था, जो कि नया राष्ट्रीय आंदोलन उसके बाद हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जाकर आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। ठीक है ना, अब देखेंगे अगला सवाल। 1857 के आंदोलन में किसका नाम कई कारणों से उल्लेखनीय है? वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह, बहादुर खान? तो इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का नाम कई कारणों से उल्लेखनीय है और ये सब कारण हम पाठ के शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। उनकी उम्र हो, चाहे उन्होंने जगह जगह अलग अलग टोलियों का नेतृत्व करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की हो, ठीक है, तो चाहे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई मेलों में योजनाएं बनाई हो, तो इन सब कारणों से वीर कुंवर सिंह का नाम जो है वो उल्लेखनीय है। अब देखेंगे अगला सवाल। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? सन 1780 ईस्वी में, सन 1781 ईस्वी में, सन 1782 ईस्वी में या सन 1783 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था सन 1782 ईस्वी, 1782 में हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में या फिर मध्य प्रदेश में? तो सही उत्तर है बिहार में। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? शाहबाद जिले के जगदीशपुर में, कैथल जिले में, करनाल जिले में या अंबाला जिले में? तो सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था शाहबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में। इनके पिता यहाँ के सरदार थे और इनका जन्म भी इसी रियासत में हुआ था। अब देखेंगे अगला सवाल। वीर कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? शहजादा से, साहबजादा से, वीर से या फिर दिलेर से? तो सही उत्तर है साहबजादा से। वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था साहबजादा से। अब देखेंगे अगला सवाल। कुंवर सिंह जी की माता का नाम क्या था? पंचरत्न कुंवर, चित्रा कुंवर, सुभद्रा कुंवर या सुमित्रा कुंवर? तो सही उत्तर है पंचरत्न कुंवर। अब देखेंगे अगला सवाल। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ और किस स्वभाव के व्यक्ति थे? उदार, स्वाभिमानी, कर्खा दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ उदार भी थे और स्वाभिमानी भी थे, तो कर्खा दोनों। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? विद्यालय में, घर पर, मदरसे में या फिर गुरुकुल में? तो इसका सही उत्तर है घर पर। शुरुआत में इनके पिता इनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी इनकी शिक्षा की व्यवस्था अपने घर पर ही करी थी। अब देखते हैं अगला सवाल। वीर कुंवर सिंह ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी? हिंदी, संस्कृत, फारसी या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी
तीनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अब अगला सवाल देखते हैं, वीर कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने से अधिक और किस में लगता था, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती लड़ने में या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वीर कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने से अधिक इन तीनों ही कामों में लगता था, यानी घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती तीनों का ही उन्हें शौक था। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल, बाबू कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली थी, सन 1825 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में, सन 1827 ईस्वी में या सन 1828 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है सन 1827 ईस्वी में उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली थी। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल, उन दिनों किस हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, ब्रिटिश, पुर्तगाली, कारखा दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ब्रिटिश। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल, किसने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया था, तात्या टोपे ने, अहमद शाह मौलवी ने, कुंवर सिंह ने या उपरोक्त सभी ने? तो उत्तर है उपरोक्त सभी ने। सभी अपने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ लोहा ले रहे थे। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल, कुंवर सिंह ने किस राज्य के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था, बिहार राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के, पंजाब राज्य के या फिर हरियाणा राज्य के? तो सही उत्तर है कि वीर कुंवर सिंह ने बिहार राज्य के सुप्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है जहाँ पर पशुओं की बिक्री की जाती है, पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, तो इस मेले को उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना था। अब देखेंगे अगला सवाल, 25 जुलाई 1857 को कौन सी टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था, कानपुर की, रायपुर की, दानापुर की या जगदीशपुर की? तो सही उत्तर है दानापुर रियासत की सैन्य टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल, सैनिक किस नदी को पार करके आरा की ओर चल पड़े थे, कोसा नदी को, गंगा नदी को, कावेरी नदी को या सोन नदी को? तो सही उत्तर है सैनिक सोन नदी को पार करके आरा की ओर चल पड़े थे। फिर देखेंगे अगला सवाल, कुंवर सिंह ने आरा पर विजय कब प्राप्त की, 27 जुलाई 1857 को, 28 जुलाई 1857 को, 29 जुलाई 1857 को या 30 जुलाई 1857 को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की थी 27 जुलाई 1857 को। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल, आरा पर विजय के बाद क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ बन गया था, रायपुर में, जगदीशपुर में, आरा में या दानापुर में? तो इसका सही उत्तर है आरा में। ठीक है, जब आरा पर वीर कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त की तो उन्होंने आरा को ही स्वतंत्रता की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया था। आरा पर इन्होंने दो बार विजय प्राप्त की थी और दो बार यहाँ पर अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला किस राज्य में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, बिहार राज्य में, पंजाब राज्य में, गुजरात राज्य में या उड़ीसा राज्य में? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य में, क्योंकि दानापुर और आरा दोनों ही जो जगह है वो कौन से राज्य में पड़ती है, बिहार में पड़ती है। तो जब दानापुर और आरा में विजय प्राप्त करी भारतीय सैनिकों ने तो इस क्रांति की ज्वाला पूरे बिहार राज्य में फैल गई थी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, जगदीशपुर का पतन किन कारणों से रोका ना जा सका था, अनुशासन की कमी के कारण, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण, स्थानीय जमींदारों के अंग्रेजों के साथ सहयोग करने के कारण या उपरोक्त सभी? तो उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी कारण थे जिनकी वजह से जगदीशपुर रियासत के पतन को रोका नहीं जा सका। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से कब परास्त हो गई थी, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि 13 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट आए हैं, तो आप नीचे जाके आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने
वीर कुंवर सिंह पार्ट का फर्स्ट एमसीक्यू सेट आज सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम इसका सेकेंड एमसीक्यू सेट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।